खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां कड़ी सुरक्षा के साथ निर्वाचन के आला अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बीच स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के 6 विधानसभा के सभी 920 पोलिंग बूथों से पहुंची ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से सील किया गया है। इसी दौरान ऑब्जर्वर सत्य प्रकाश, जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर, एसएसपी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आईटीआई संस्थान में बने स्ट्रांग रूम को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और स्ट्रांग रूम के लिए अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भारी फोर्स तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जनपद में 6 विधानसभाओं का था, जो हमारे लोकसभा की 6 असेंबली सेगमेंट हमारे जनपद में पड़ते हैं। हमारी सारी पार्टी आ चुकी है, सारी मशीन हमारी स्ट्रांग रूम में जा चुकी है। अभी स्ट्रांग रूम सील करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 4 स्ट्रांग रूम हम सील कर चुके हैं, वही की कुछ ही मिनटों में 2 बचे हुए स्ट्रांग रूम भी हम सील कर देंगे। जिस तरह से ईसीआई की डायरेक्शन है, 3 कॉर्डन सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। जो इनर कॉर्डन है वो सीपीएफ के पास है, बाकी जो हमारी आर्म पुलिस एंड स्टेट पुलिस रहती है, तो जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उनकी पूरी तरह से कंप्लायंस की गई है।